रेडी देखिए, मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए आप लोग। चिल्लाने का फायदा नहीं है, चिल्लाने तो मैं कह रहा हूँ, टाल तो सबको आप लोग, दिक्कत यही है ना, मैं इतने कहीं भी जाता नहीं हूँ, जाता इसलिए नहीं हूँ कि आप लोग ना इसमें फिर इस चिल्ला चिल्ला के मुझे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। अब मैं दो लोग को सेल्फी दे दूंगा, चार लोग नाराज हो जाते हैं उसमें, इसलिए मैं कहीं भी जाता नहीं हूँ, आराम से शांति से घर में चुपचाप बैठा रहता हूँ। अगर ये शांति चीज़ें रखो तो कहीं आने जाने में अच्छा लगेगा, मुझे तकलीफ होती है, दो लोग बुले रहे थे, दो लोग अंदर आके नहीं ले पा रहे थे, वो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी भैया वो दो लोग ले पा रहे हैं, ये दो लोग नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे। तो देखो एक चीज समझ लो, मैं फैमिली वाला आदमी हूँ और यहाँ पे सतीश है कि नहीं, चला गया था तो सतीश बैठा हुआ, सतीश ने मेरा एक महीने का एक चीज सिखा दिया और मेरे ऊपर इतने सारे लोग, मतलब अब क्या बोले, पॉलिटिशियन लोग ऐसे आ गए कि पूछो मत, हमारे यूपी में ये सब चलती रहती है। तो मैं बहुत सारी चीजें तो ये दिखाने वाला नहीं हूँ, ये मेरा फैक्ट है, नाराज हो या अच्छी चीज है। हाँ, कुछ चीजें आप लोगों को दिखाऊंगा जिससे आपको लगे कि कंसिस्टेंसी होती कैसी है, वो चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। क्योंकि अब ये सतीश को मैंने बोल के वो वीडियो का थंबनेल करवाया था, पूछा सतीश बैठे हुए वहां पे, उसने डाल दिया वो और मुझे फोन आ रहा है। अब मैं ऐसी जगह से हूँ, आप यूपी से हूँ, पता ही आप लोग को यूपी से हूँ और हमारे यूपी में होता क्या है, हमारे यूपी में पैसा कमाना भी प्रॉब्लम ही है, ध्यान रखना ये चीजें, क्योंकि जिसके पास नहीं है वो पीछे आपको पड़ जाएंगे। यहाँ पे यूपी और शायद मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल, ये दो जगह पे आप जाओगे ना तो फिर आपके बड़े बड़े डोनेशन आपको देने पड़ेंगे, तो उनसे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, तो शांति से चुपचाप कहीं पर शांति से लोग छुप जाओ बैठे रहो। मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ, चीजें समझाता हूँ, आपको समझने में काम आएगी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक ओपन करके रखा हुआ पैनल, में यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपको दिखाता हूँ, कंसिस्टेंसी ऑप्शन बायर की कैसी होनी चाहिए, बस ये चीज समझाता हूँ। फिर उसके बाद मैं कुछ सेटअप है वो आप लोगों को बताता हूँ और सेटअप पे कैसे काम करना है आपको। सबसे जरूरी चीज ये है ना कि आपका लॉस, देखो चिल्लाते रहोगे क्या फायदा होगा, मैं बता रहा हूँ सुनो ना, सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पे है, आप अपना लॉस, अगर ऑप्शन बायर हो ना, अपना लॉस डिसाइड कर लो यार, ऑप्शन ऑप्शन बायर के लिए लॉस डिसाइड करना सबसे जरूरी चीज जो है, वो ऑप्शन अपना लॉस डिसाइड कर लो कि आप लॉस लेना कितना चाहते हो। एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, ऑप्शन बाइंग का पैसा ना घर के पैसे से नहीं बनेगा, कैपिटल से पैसा नहीं है, अगर घर से लगा रहे उसके चारों में बहुत पैसा बना लूंगा नहीं बनेगा, उस पैसे को धीरे धीरे ग्रो करोगे और जो प्रॉफिट वाला पैसा लगेगा ना वो पैसा बड़ा पैसा लेके आता है। स्टॉक मार्केट में कहीं भी बड़ा पैसा कोई भी बनाता है वो प्रॉफिट के पैसे से बनाएगा, कैपिटल लगाओगे 20 करोड़। मैं एक स्टोरी बताता हूँ, मैं शायद अभी शेयर कर रहा था कल, मैं एक सूरत से एक बंदा था, वो ऑफिस का एड्रेस ढूंढ ढूंढ के पता नहीं कहाँ से आ गया। अब वो जब मेरे पास में आया तो उन्होंने 3-4 घंटे उन्होंने वेट किया, मैं जरूरी नहीं मैं ऑफिस जाता ही हूँ, मैं 3-3 दिन पे जाता हूँ, 4 दिन पे जाता हूँ, नहीं भी गया तो मेरा काम चल जाता है। वो बंदे जब आए, वो आया था बंदा ना, तो वो मतलब बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी में आया था, मतलब मैंने वो गाड़ी देखी नहीं, ऐसी गाड़ी में आया था। उसने बताया मेरे को, सर मेरे पास प्राइवेट जेट है, उसके पास प्राइवेट जेट है, वो बंदा मेरे से मिलने आया। मैं बोला तुम्हारे पास इतना पैसा तो ट्रेडिंग करनी क्यों तुमको, बोला सर शौक से करना है मुझे ट्रेडिंग और मुझे आपसे सीखनी, मैंने अभी सिखाता नहीं हो, बोला सर नहीं सिखाते हो, आप जितनी फीस बोलोगे उतनी फीस मैं आपको दूंगा, आप सिंगल मुझे दिखाओ प्राइवेट जेट उसके बाद बंदे के बाद। मैं बोला यार मैं छोड़ दूं, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, मेरे लोग प्राइवेट जेट बंदे के बाद, अब ट्रेडिंग मुझे शौक कैसा है ट्रेडिंग का, मतलब प्राइवेट जेट होने के बाद इसको ट्रेडिंग सीखनी क्यों सीखनी भाई, अब शौक है उनका शौक था। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें आप लोग को दिखाता हूँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपनी नफ्स को पकड़ के बैठना आप लोग, ठीक है ना। मैंने पहले बताया मैं बड़ा लंबा नहीं दिखाने वाला हूँ आप लोग, ठीक है ना, तो समझ के रखना, मैंने बता दिया स्टोरी, सारी चीजें मैंने बताई थी आप लोग को, लेकिन कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कॉन्फिडेंस देखो सही बात बोला कि कॉन्फिडेंस आपको देखने, पहली बात तो देखने से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अगर देखने से कॉन्फिडेंस आता तो राकेश झुनझुनवाला को हम सब लोगों ने देखा था, हम सब लोग इन्वेस्टर बन चुके होते। ये सब गलत चीजें हैं कि मैं दिखाऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं कितनी जगह दिखा चुका, कितनी बार दिखा चुका वीडियो में, कभी कभी पैनल पे पहले मैं दिखा दिया करता था, जब से ये सुबह ये सतीश वाली हुई तब से मैंने सब सारी चीजें बंद कर दी, छोटे छोटे प्रॉफिट मैंने दिखाए वहाँ पे, कई सारी चीजें बड़े प्रॉफिट मैंने कभी भी दिखाए नहीं उसकी बात है, और ना कभी दिखाने का मेरा इरादा, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे भाई 3-3 साल के, ठीक है ना, तो अब मुझे अपनी चिंता नहीं, अपनी चिंता होती तो घूम फिर लेते, अब बच्चों की चिंता होती है, तो वो सब सारी चीजें ध्यान में रखती। मैं कुछ चीजें आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 21 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी का यहाँ पे डेटा आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक एक दिन का सुबह तो पूरा एक ही दिन का दिखा, एक ही बार दिखा दिया, मैं आपको एक एक दिन से थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाऊंगा, कैसे बढ़ता है आपको अभी चेक कर लेना, अभी कितना आप
थोड़ा थोड़ा अभी पहले चेक कर लो कि किसका कितना है अभी। मैं एक एक दिन का दिखाऊंगा, मैं इतना स्लो नहीं चलता हूँ। आपको पता ही है कि वीडियो बनाता थोड़ा धीरे धीरे चीजें बताता हूँ, लोगों को लगता है कि ये टाइम पास करा, लेकिन मेरा भाई मेथड मेरा वही है, चीजों को समझाने का मेरा तरीका वही है। मैं एक एक दिन भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, वो चिल्लाने नहीं आ जाएगा, आपके घर पर नहीं जा रही, मेरे अकाउंट में जाने वाले, तो चिल्लाओ मत, देखो चीजों को समझो। अब मान के चलो कि ये आपको दिख तो रहा है ये 15 लाख का यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे कुछ जगह पे क्वांटिटी भी दिखेगी, और क्वांटिटी दिखेगी और ट्रेड दिखेगी, ट्रेड की वैल्यू नीचे दिख रही होगी, वो दिख रही, ट्रेड की वैल्यू वहां पे दिख रही। यहाँ पे दो ट्रेड होंगे, दो से तीन ट्रेड रहते हैं। मैं जनरली क्या होता है, तीन ट्रेड से ज्यादा मैं जल्दी लेता नहीं हूँ, या फिर चौथा ट्रेड भी लिया तो तीसरे ट्रेड का जो प्रॉफिट होगा उसका मैंने 20% हिस्से के चौथा लिया। देखो ये मान के चलो कि 100 में से 90 ट्रेड में मेरे एक लॉस तो दिन के रहेंगे, तभी मैं बंद कर देता हूँ ट्रेड में, या अगर दो कंटिन्यू प्रॉफिट हो गए तो भी तीसरा लूंगा, तीन कंटिन्यू प्रॉफिट हो गए तो चौथा लूंगा, चार होगा तो पांचवा सेटअप बन रहा है तो वो ढूंढ लूंगा, मतलब एक लॉस तो फिक्स है, लेकिन वो लॉस अब प्रॉफिट में जाएगा, घर से नहीं जाएगा मेरे। पहले क्या है, पहले कुछ दाल रोटी आ जाए, आज का दाल रोटी काम चल जाए, फिर कल देखेंगे क्या हो रहा है, तो मेरा छोटा छोटा बनेगा भाई, बड़ा बड़ा नहीं बनता मेरा। कभी कभी जैकपॉट लग जाते हैं साल में ना, ये मान के चलो कि साल में 10 दिन ऐसे आएंगे ना जो आपको 10 साल का प्रॉफिट 10 दिन दे के जाएगा, लेकिन वो 10 दिन आएंगे, और वो कौन से 10 दिन आएंगे वो मुझे पता नहीं। मुझे पता होता तो खाली वही 10 दिन ट्रेड करता, ट्रेड 222 दिन करूंगा, वो 10 दिन मेरे जैकपॉट आते हैं जो मेरा काम करते चले जाएंगे, बाकी दिन दाल रोटी भी चलाती रहेंगे धीरे धीरे। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 तारीख का दिखाया, अब यहाँ पे 2 तारीख का चलते हैं। 1 तारीख बजट था, ट्रेड थोड़े से कम रहेंगे क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, ये 2 तारीख का हो गया, ज्यादा कुछ अच्छा लगा नहीं, मजा आएगा नहीं, ठीक है। तो ये धीरे 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 चलती रहेंगी। ये 2 का दिखाया, फिर अभी आपको 3 तारीख का दिखाता हूँ। अब ये 3 तारीख का यहाँ पे निकलता है, धीरे धीरे बढ़ा ना, हार्ट बीट में धीरे धीरे बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि मैं बीपी का थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, ज्यादा तेज मेरा खुद ध्यान नहीं है, शायद आगे करके प्रॉब्लम हो जाए, मुझे ही प्रॉब्लम आ जाए वो, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम, ट्रेडर ऐसे नहीं बन जाओगे, ट्रेडर ना 10 बीमारियां लेके बैठा रहता है, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना, कोई डॉक्टर तो मिलोगे तो बताएगा भाई बीमारी है, ये भी है वो भी है, दुनिया भर की बीमारी लेके बैठे हम लोग, क्यों लेके बैठे, वो टेंशन दिन में ऐसे थोड़ा बन जाता है, कहते आया टेट आ गया, अरे जल्दी है, अरे टेट लेते हो कलेजा ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ तक आता है फिर वापस यहाँ पे आ जाता है, चीजें आती रहेंगी, चलते ही रहेगा, हुआ टेट नहीं, सैटरडे संडे छोड़ के फिर हम यहाँ पे चले जाते हैं मंडे के दिन। एक की ध्यान रखना, मंडे और फ्राइडे मेरा खराब दे रहता है, ऑप्शन बाइंग के लिए मेरा मंडे और फ्राइडे सबसे खराब दे मेरा होता है, मंडे और फ्राइडे को मेरा ज़्यादातर लॉसेज अगर दिखेंगे तो वो मंडे और फ्राइडे में ही दिखेंगे, वो भी दिखेंगे तभी आपको, तो मंडे और फ्राइडे, लेकिन वो लॉस तो होना चाहिए ना, वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरा लॉस होगा कितना। अभी बीच में आया है कहानी साफ लग गए, हो गए काम, हो गए ऑप्शन बाइंग, बंद हो गए कि नहीं ऑप्शन बाइंग, एक देखो शांत, एक दिन में सब ऑप्शन बायर से खत्म, इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर बन गए, अब सब इन्वेस्टर बन गए, ये रिस्क देखो रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा हुआ नहीं, लेकिन ये लोग जब कहते सांप सुन रहे, अभी हो कर रहे थे ना, जब बंद में, अरे मतलब क्या, अरे इसका भी लॉस होता, मतलब हमारे पास का नहीं भैया, वो लॉस देना ही आपको, मार्केट आपसे लेगा, कंडीशन है मार्केट की, अगर जब से लेता नहीं रहे मतलब आपको देना आना चाहिए, क्योंकि आप दे तो मान लो मैंने हार मान लिया, ठीक है, वो मार्केट है, कभी आपको देगा कभी आपसे लेगा, अगर उससे लड़ोगे तो ज़्यादा लेके जाएगा, लड़ो मत, बस चीज़ें करते रहो, फिर होगा, फिर कुछ आएगा, फिर देखेंगे, रेट का फिर ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन रेट होता रहेगा, ये तो चलती रहेगी, ये ट्रैफिक चलता रहेगा। इंड ऑफ मंथ आप क्या लेते, तो मैं दो चीज़ें से जज करता हूँ अपने आप को, कि मैं इंड ऑफ वीक क्या लेके गया, इंड ऑफ मंथ लेके क्या गया, ठीक है ना, इंड ऑफ मंथ मेरा अच्छा हो गया मैं खुश हूँ। इंड ऑफ मंथ के बीच में आप अपने आप को जज मत करो यार, 22 दिन तो दो अपने आप को, आप लोग क्या करते हो 2 दिन में, अभी कोई सेटअप बताया, मैंने बताया, कुछ वासित ने बताया, कुछ और लोग बताया, आप क्या करोगे, कल जाके टेस्ट करोगे, ऐसे हो गया कुछ तो अलग करता होगा, कुछ अलग जरूर करता हो, अरे भैया अलग करते हैं ना, 8 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, वही अलग करते हैं, जल्दी भाग जाते हैं। अब आप लेके बैठे रहोगे कि नहीं फलाने ने बोला था कि बड़ा अच्छा रिटर्न देता है, हमने स्टॉप लॉस भी बोला था, वो नहीं लगाना है, स्टॉप लॉस कौन लगाता है, स्टॉप लॉस छोड़ो ऐसे चलने दो, तो बिना स्टॉप लॉस के चलने दो, तो आप लोग की कहानी वो है कि हमें स्टॉप लॉस नहीं लेना है, हमें सिर्फ ट्रेड करना है, आप लोग को सिर्फ ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस नहीं लेना है किसी को भी, ठीक है, आपको किसी को स्टॉप लॉस लेना आता नहीं,
मतलब मार्केट आपसे लेके जाएगा लेकिन आप देने को तैयार नहीं होता है, स्टॉपलेस आप लेने को तैयार नहीं हो, मार्केट भले आपसे ले ले लेकिन आप खुद ही कुछ नहीं। मैं बोलता हूँ स्टॉपलेस को ना ये समझना कि कुछ आ रहा है और वो चढ़ावा डबल होके ट्रिपल होके आपके पास में आएगा, लेकिन देव खुद ही खुद ही दो तो सही। मंदिर में दान देते हो तो सोचते हो तो समझ लेना दान दे दिया हमने, कहीं भी दान किसी के पास गया और भले वो आपका छोटा छोटा दान मेरे पास में आ गया मान लो, यार मैं तो बड़ा बन रहा हूँ ना, आप लॉस करोगे तभी मेरा प्रॉफिट होगा और 99 आप लॉस करोगे ही करोगे, मैं कितना भी समझा लूँ कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट बढ़ा है ना, दिमाग में आपके ये है कि लॉस किधर, दो चीज़ें सीख लो कि लॉस किस तरीके से लेना है, लॉस लेना जानना पड़ेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बन जाएगा, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिमाग लगाने का काम नहीं है, ठीक है ना बॉस। अभी मैं ठीक है ये 52 हाफ सेंचुरी हमने लगा दिया, अगर लास्ट वाले वो टेस्ट मैच में कोई हाफ सेंचुरी लगा दिया तो शायद हम टेस्ट बचा लेते हुआ ना, पता नहीं आज वाले टेस्ट में भी क्या हो रहा है, जीतेंगे कि हारेंगे, मुझे लगता है कि हमें जीतना चाहिए तो ही मजा आएगा। ठीक है सैटरडे संडे है तो हम डायरेक्ट मंडे को चलते हैं। मैं देखो मैं दो चीज़ों पर फोकस करता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मैं चीज़ों को क्या करता हूँ बड़े नाप तोल के खेलता हूँ भाई, छोटा छोटा खेलूंगा नाप तोल के खेलूंगा, ठीक है इंड ऑफ मंथ मेरे पास पैसा आना, हर मंथ मेरे पास पैसा वो 5,000 भी आएगा ना मैं खुश हूँ, लेकिन इंड ऑफ मंथ मेरे पास पैसा आना चाहिए, ये आपका इंसेप्शन होना चाहिए कि इंड ऑफ मंथ मेरे पास पैसा आना चाहिए ना कि पैसा जाना चाहिए, ठीक है। ये किसी दिन बहुत तेजी से भी पड़ जाता है पता भी नहीं चलता हम लोग, और बहुत खास पड़ जाता है, बाकी दिन छोटे छोटे रह जाते हैं, बाकी किसी दिन ऐसे उनसे उठेगा अरे हाँ अच्छा हो गया आज, चलो बंद करो जल्दी बंद करो। और एक चीज ध्यान रखना, मैं टाइम से ट्रेडिंग करता हूँ, मैं सारे दिन ट्रेडिंग नहीं करता, मैं बार बार बोलता हूँ ऑप्शन बायर हो हर जगह नाक मत घुसाओ अपनी, शांति से बैठे रहो वेट करो, मार्केट आपको एक गारंटी के साथ बोलता हूँ छोटे छोटे सेटअप भी ना, मार्केट आपको दो सेटअप देगा ही देगा, कैसा भी मार्केट हो कितना भी गिरता हुआ चला जाएगा मार्केट एक बाउंस बैक आपको देगा, कितना भी चढ़ता हुआ मार्केट हो एक रिवर्सल आपको देगा, आप बैठोगे तब ना आप तो क्या होगा उसी बीच में आपको इतनी मतलब क्या हो गया आपके दिमाग में इतना हो गया अरे यार मैं तो ट्रेडर हूँ मैंने तो ट्रेड ही नहीं लिया, मार्केट तो कौन सा नीचे गिर गया मैंने तो ट्रेड ही नहीं लिया, मैंने तो कुछ पैसा बनाया नहीं, और होता कि घंटा हमने अभी तक बना लिया होगा 10,00,000 तो वो पीछे पड़ जाते, बस यही टेंशन नहीं है आप लोग, क्योंकि आप लोग को वो नहीं चाहिए कि कैसे बनेगा, आप लोग को ये चाहिए ना कि फटाफट कैसे बन जाएगा तुरंत कैसे बने, मेहनत कितनी की वो नहीं देखेंगे। अब फिर से देखते हैं कुछ रेड कलर लाइक नहीं अभी नहीं अभी चलते जा रहा, देखो मैं बात बोलता हूँ बहुत आसान है, बस आपको ये सोचना है ना दिमाग में ये रखना है कि जिस दिन लॉस होगा आराम से ले लेना है। अब ये शुरुआती सीजन है इस साल ऑलमोस्ट मेरा टारगेट मार्च अप्रैल से ले नहीं छोड़ो यार क्या मतलब टारगेट मेरा बहुत बड़ा है, नेक्स्ट ईयर का टारगेट मेरा बहुत बड़ा है, लास्ट ईस्ट ईयर से मेरा टारगेट लगभग 3 times का टारगेट है नेक्स्ट ईयर का, जो भी इस ईयर मेरा प्रॉफिट होगा उसका 3 times का टारगेट मैंने बना के पहले से ही रख लिया, और ये भी मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि वो 3 मतलब जितना भी मैंने लास्ट ईयर कमाया उसका 300% का रिटर्न मुझे चाहिए, और वो भी मैं 6 महीने में कंप्लीट कर लूँगा, ये भी कॉन्फिडेंस है मुझे 6 महीने के बाद फिर आराम करूँगा, फिर शायद ट्रेडिंग में शांति से बैठा रहूँगा, लेकिन वो गोल पहले मुझे पता है ना, पहले पैसा यहाँ बनता है ठीक है ना कि मुझे इस साल कितना कमाना है ये यहाँ बनेगा, पहले जब यहाँ बनेगा ना कि ये काम करेगा यहाँ पे, ये नहीं डायरेक्ट ऐसा नहीं अंधी डाल रहा है कि बनते जाएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, कितना बनेगा ये डिसाइड है, लास्ट ईयर कितना बनाना है ये डिसाइड है, लास्ट ईयर में जो कंप्लीट हुआ था टारगेट ना वो विवेक सर के शो में गया था, विवेक सर के शो में बोल के आया था सर मैं इस साल ट्रेडिंग नहीं करूंगा उसमें, क्योंकि वो लास्ट ईयर का मैंने जो टारगेट था वो कंप्लीट कर दिया था सितंबर मंथ में ही कंप्लीट कर दिया था, यानी 15 सितंबर को मैंने वो टारगेट कंप्लीट कर दिया था जो मैंने लास्ट ईयर बनाया हुआ था टारगेट, तो इस साल भी वही टारगेट को लेकर चलेंगे उसका 3 गुना नेक्स्ट ईयर तक सितंबर के पहले पहले उसको कंप्लीट कर देंगे। अभी क्या हो रहा है अब जब इतना बनने लगे ना तो करना क्या है, अब कुछ नहीं करना है, देखो करना है अब मुझे करना क्या है इस मंथ में, मुझे क्या करना है आप बताओ क्या करना चाहिए मुझे इस मंथ, क्या करना चाहिए दुबई दुबई इसको संभाल के रखना है, क्या करना है हीरो जीरो ये जो लक्ष्मी आती है ना लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, कभी मेरे पास है कभी इनके पास है कभी लक्ष्मी पास भाग जाएंगे, घर में आ गए तो उनको बोलो हे लक्ष्मी माता बैठी रहो बस जाना नहीं है, अब हमें क्या करना है इसको संभाल के रखना है, उस संभालते संभालते और बन गया तो अच्छी बात है नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो संभाला इसमें तो कम से कम इतना तो कंप्लीट है कि अब इसमें तो मैं 50 लेके जाऊंगा 30 तो रिस्क लूंगा ही, ट्रेडर ना तो कोई 30 जाएगा नहीं, लेकिन ये मेरा फिक्स है कि 50 लेके जाऊंगा यहाँ, ये मेरा टारगेट होना चाहिए, हर दिन जैसे जैसे बनता जाएगा फिर टारगेट मेरा बढ़ते हुए जाएंगे करते जाएंगे टारगेट बढ़ते जाएंगे,
हार्ट बीट बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रही थोड़ी बहुत? हार्ट बीट बढ़ रहे? कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूं मैं ये ट्रेड करना है देखो सबको आता मैं मुझे मालूम है ट्रेड आप लोग कर लेते हो बहुत अच्छा ट्रेड करते हो वो एक दिन संभालो यार बस एक दिन आप संभाल लो फिर मेरे से बोलो कि सर मैंने एक दिन संभाल लिया मैं गारंटी साथ लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर पे आप लॉस में नहीं हो कोई भी यहाँ पे लॉस में नहीं हो चाहे सेटअप सीखो या मत सीखो कोई भी लॉस में नहीं हो बस सिर्फ वो एक दिन यार वो एक दिन आप अपने आप को दे लो और वो एक दिन आप पैसा बना के जाओगे यहाँ पे कुछ भी हो जाए पैसा बना के जाओगे एक दिन दो तो कहीं आपको एक दिन देने ही नहीं जब आप वो एक दिन दोगे नहीं तो कोई भी क्या करेगा कोई ट्रेडर हो इन्वेस्टर हो कोई कुछ नहीं करेगा वो एक दिन आपको दे के जाना है ये बत्तीस दिन चलती रहेगी बस यार बहुत है ये अगर एक साल का दिखा दूंगा ना तो आधे लोग लेट जाओगे यहाँ पे गारंटी देता हूँ असल तो मैं बता दिया कि वासिष ने क्या पंगा कर दिया है तुम्हारा नाम है सतीश को सतीश को बोल रहा हूँ सतीश ने क्या कर दिया वो मैं सतीश को बताया वो सतीश ने गड़बड़ कर दी और गड़बड़ करने के बाद भाई वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है मुझे मैं जैसी तक तो नहीं हो पाता वो हो जाता है वो कुछ इधर उधर दे देख निपटा उपटा के काम कर दिया खत्म ठीक है और शांति हो जाता मैं शांत रहता इसलिए कहीं आता जाता नहीं हो जाता मुझे नहीं पसंद है कम से कम मुझे ये नहीं पसंद है कि कोई मुझे ट्रोल करे फालतू के ट्रोल करे मतलब मैं अपने काम में बिजी हूँ ना किसी से एक पैसा लेना ना किसी से एक पैसा देना ट्रोलिंग फालतू की होती जा रही है ट्रोलिंग नहीं चाहिए ठीक है ये गेम पैसन है मेरा ये मेरा बिजनेस मैं पैसन के साथ में आया पहले पैसन था अब मेरा ये प्रोफेशन हुआ तो ये पैसन होना चाहिए डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर तब होगा ये होगा मैं कितना भी दिखा लूँ कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा इससे क्या फर्क आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला है लेकिन हाँ ये होगा कि हाँ कंसिस्टेंसी होती कहती आपको ये कंसिस्टेंसी दिखेगी कंसिस्टेंसी पैसा बनना चाहिए आप इन्वेस्टमेंट क्या लेके जा रहे हो आप ट्रेडर हो नहीं लेके गए तो ट्रेडर तो आप अभी ऐसा थोड़ी आप ट्रेडर नहीं ट्रेडर तो आप सब ट्रेडर ही हो ना यहाँ पे आप लेके नहीं जा रहे हो लेके जा रहे ये है कि ये जरूर होगा कि अगर इसमें से सब लोग सीख जाएंगे तो मेरा ये प्रॉफिट कम जरूर होगा क्योंकि अल्टीमेट आप तो यही से रहा है आप लॉस करोगे मेरा प्रॉफिट होगा मेरा प्रॉफिट होगा तो किसी ना किसी का लॉस हो रहा है जरूरी नहीं आपका हो रहा है बहुत सारे लोग वर्ल्ड में ट्रेड कर रहे हैं दुनिया भर में भारत में बैठे हुए लोग तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं से तो किसी का बन रहा है ना बट आप मेरा बन रहा तो आप बना सकते हो कुछ चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ कुछ चीज़ें आप फॉलो करो मैं बड़े बड़े नहीं होंगे छोटे छोटे होंगे लेकिन कुछ ना कुछ होते रहेंगे आगे रेड बत्ती आगे ये अच्छा रेड बत्ती में कोई वो नहीं कर रहा दिक्कत ये हो रही है रेड बत्ती में कोई वो नहीं कर रहा भाई रेड बत्ती में हो मेरा चीज़ों को संभाल के तो रखा ये देखो कि चीज़ें संभाल के तो रखी अब यहाँ से मैं कुछ ना कुछ ले जाना मेरा मूड क्या है कि यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ ले जाना ठीक है तो ये अगर जो ज्यादा मुझे बहुत लोग फॉलो करते हो आप लोग मैंने बहुत सारे दिखाए हैं पहले के मैंने बहुत सारे दिखाए हैं एक मंथ कितने रहते हैं रेड बत्ती ऐसे ऐसे रेड कितने रहते हैं एक मंथ में वही रहेंगे वो दो या तीन बस वो कंट्रोल करने हैं आपको ध्यान रखना वो ज्यादा ना हो बस बाकी और कुछ नहीं होगा लाइफ में ये ट्रेडिंग ऐसे ही आप में भी वही दो या तीन होंगे मेरे हो आपके हो किसी के भी हो ना वही दो या तीन सबके रहेंगे किसी के भी ज्यादा नहीं होते सबके वही हो जाए तुम मेरे पहुंच गए डेढ़ पहुंच गए लोग कहाँ पे करेंगे अच्छा हुआ है 27 28 तक फरवरी थी एक बचा हुआ कहाँ पे क्लोज कर रहे हैं डेढ़ के ऊपर मतलब इतने दिन मेहनत की तो डेढ़ बना वो दो दो चिल्ला रहे हैं अभी से यही चला जाता है ना यही होप लेके जाती है मैं देखो मेरी सिंपल सी थ्योरी है अगर मेरा ऑप्शन बाइंग में एक दिन में 10-12% बन गया मैं खुश मैंने 1 करोड़ रुपए लगाए अगर 10-12% के हिसाब से मुझे इंड ऑफ मंथ अगर 15% मिल गया 10% मिल गया सॉरी 10% अगर मैंने लोन लिया तो इंड ऑफ मंथ मुझे 150-200% मिल जाएगी दो तीन लॉस भी रहेंगे वहाँ से अच्छा 150% यार 1 करोड़ का 1.5 करोड़ हो रहा है आपका क्या चाहिए क्या आपको फिर लेकिन आपको क्या है ना 10% में मजा आता नहीं है ऑप्शन बाइंग का मतलब आप लोगों ने समझ देखो मैं ऑप्शन बाइंग को अलग नजरिए से देखता हूँ आप लोग ऑप्शन बाइंग को डबल या ट्रिपल वाले नजरिए से देखते हैं हाँ किसी दिन बनता है मैं भी बोल रहा हूँ ना कि वो साल में 10 दिन आते हैं मेरे जो मेरे अगले 5 साल के प्रॉफिट में शायद 10 दिन में 5 साल का कवर हो जाए ये पता नहीं है मुझे भी एक कोविड वाला दिन आएगा और मैं रिकॉर्ड बना दूंगा उस दिन अपना कि मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा कोविड का दिन वो मेरा रिकॉर्ड था उस समय का कोविड वाला हाईएस्ट प्रॉफिट मैंने बनाया था ऐसे मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट जो है छोड़िए जाने का कुछ ना कुछ अच्छा खाता है कुछ ना कुछ अब ज्यादा मतलब आप लोग की भावनाओं में अगर मैं बैठा हूँ ना मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा ठीक है ना बहुत सारी चीजें रहती है लाइफ में बहुत सारी अब ये लास्ट एक 28 दिन का बचा अब ये क्लोज कहाँ पे हो रहा है इस मंथ ये मंथ क्लोज कहाँ पे हो रहा है 144 में
15 लाख हमने गवर्नमेंट को दिए और गवर्नमेंट को हमसे फायदा है या नहीं है? बहुत फायदा है। 15 लाख में ब्रोकरेज होंगे, एसएसटी होगी, जीएसटी होगी। अब इसके बाद में भी ये 140 में भी 30 और 4 12 लगभग 42 करोड़ वो लेके गए। ये मेरा नहीं है बाबा, यहाँ तो इतना मत देखना, ये 144 दिख रहा वो मुझे मिल रहा और उसमें से 30% वो लेके गए, ठीक है? तो लगभग मुझे मिला कितना? लगभग मुझे 90-92 मिलेगा, सीधा सीधा 30%। हरे लगे ना फैक्ट्री, हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, हरे लगे ना फैक्ट्री और काम भी चौका। मेहनत हम किए, दिन भर मरा है, मेरा बड़ा 30% लेके चलेगा। और अभी यहाँ से निकलूंगा ना तो मतलब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में लाइन होगी, उसी लाइन में मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। जहाँ सब खड़े होंगे वहीं मैं भी खड़ा होऊंगा। टैक्स इनको भरपूर भरूं मैं, लाइन में ही मैं भी खड़ा रहूंगा। मेरे को किसी सुविधा नहीं मिली गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट मुझे सुविधा रही कि तुमने इतना मुझे दिया तो तुमको चलो तुमको कम से कम कुछ नहीं तो कम वाली लाइन में लग जाओ, तुम 2-3 लोग के बाद निकल जाओ, तब खड़े रहो वहीं जाकर। बैग खोलो, चैन खोलो, निकालो, निकालो ये बाल, निकालो खुद भी निकाल दो। यहाँ तो यहाँ और हैदराबाद में खुद भी निकलवा देते, कुछ दिन इनका चले तो पैंट में निकला भी सब चेक करते हैं। पैसा तो बहुत है, क्योंकि एक चीज समझो, अगर 99% लोग लॉस कर रहे हैं, गिल्टी कितनी है पैसा कमाने की, छोटा 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 तो सबसे मिलके बड़ा बन जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, हम लोग को एक दिन संभाल नहीं पाते, वो 2 दिन यहाँ भी कितने 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 हैं मेरे ख्याल से, एक का 26 है, एक 49, पहला वाला रेट 49 होगा शायद, 48 है और दूसरा वाला था 20 तो 70 इसमें से भी निकल गए। अगर वो भी किसी दिन या होते नहीं या प्लस होते या थोड़े थोड़े भी प्रॉफिट होते तो 2 CR तो ऐसे ही हो गया, अगर वो नहीं लॉस किए होते तो 2 CR तो ऐसे ही हो जाते। तो पैसा बहुत है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि हमें थोड़ा नहीं चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट है आप लोग, पहले थोड़ा थोड़ा लेके देखो। अगर 10% आप कर ले रहे हो, दिन का 10% ले लो, ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ। कोई इन्वेस्टर होंगे तो बोलेंगे हम तो साल के 20% की बात कर रहे हैं, दिन का 10% आके यहाँ बता रहा, ज्ञान बता रहा, मैं ज्ञान नहीं बता रहा, मैं रियलिटी बता रहा। ऑप्शन में मिल सकता है लेकिन जाने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी है, वो जाएगा भी उतनी तेज। लेकिन अब वो जाने वाली चीज़ें आपको सीखनी कि जाए ना, सीखना क्या है आपको कि जाए ना मेरा इतना तेजी। तो इसके लिए आपको पहली चीज़ तो आपका जो स्टॉप लॉस है यानी जो कितना देना है एक दिन में वो आपका फिक्स होना चाहिए। अगर आपका ये फिक्स नहीं है ना, कितने लोग यहाँ पर जो ट्रेडिंग करते हो ना तो आप फिक्स करके ट्रेड करते हो कि मैं इतना ही लॉस लूँगा, ठीक है, इतना फिक्स करते हो और मानते कितने पे हो, मानते कितने पे हो, फिक्स कर लिया मैं 2000 दूंगा, मानते नहीं उससे फर्क क्या, मैं फिर क्या फिक्स हो गया, फिर मैंने क्या फिक्स कर लिया। आपने माने ही नहीं, खुद बनाया और खुद ही नहीं माने तो फायदा क्या हुआ, मानना तो हमें पड़ेगा ना, आप मानोगे नहीं तो क्या फायदा होगा। तो देखो जब तक आप लोग अपने आप को नहीं संभालोगे, मैं कितना भी सिखा लूं, कोई कितना भी सिखा ले, पैसा आपका नहीं बनने वाला है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। लेकिन दो चीज़ अगर फॉलो करो, एक चीज़ मेरे रूल ध्यान रखना, मेरे ये रूल बहुत वायरल भी है शॉर्ट में, आज का प्रॉफिट कोशिश करो कि कल पूरे लॉस में ना हो, सिंपल ट्रिक है। इतना अगर आपने कर लिया ना तो भी मैं बोलूँ यहाँ पे 30% लोग प्रॉफिटेबल होंगे, 30% की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 1% करो मैं 30% की बात कर रहा हूँ। अगर दो रूल्स मेरे मान लिए तो आज का प्रॉफिट कोशिश करो कि कल लॉस में ना हो, और कल अगर सुबह प्रॉफिट बन गया तो उसमें से 80% घर लेके जाना है, बस इतना ही करना है, ये बेसिक रूल है। इतना फॉलो कर लो पैसा आपके घर में जाएगा, 100% जाएगा, नहीं जाएगा मेरे पे केस ठोक देना दिल्ली हाई कोर्ट यहीं पे, मुंबई भी मैं आऊंगा लड़ूंगा। लेकिन मानो तो सही, इतना मानो तो सही, 200 दिन ये चीजें फॉलो करके देखो, अगर पैसा नहीं बने तो बोलना आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप तो फॉलो नहीं करते हो, सब प्रॉफिट देखने आते हो, प्रॉफिट मुझे दिखा दो, मुझे प्रॉफिट दिखा दो, प्रॉफिट बनता है कि नहीं, अरे मेरे प्रॉफिट से क्या कर लोगे आप बताओ। मैंने सतीश को दिखाया, सतीश 3 घंटे तक इसको पानी छेड़ना पड़ा था मुझे, मैंने सोचा इसको आ कहाँ से गया, कुछ हो गया तो मेरे ऊपर आएगा सतीश, मेरा बच्चा गया था उसका इंटरव्यू लेने और उसमें तो गरीबी बहुत पड़ा हुआ है, अभी क्या बोलूँ, नहीं होता वो चीज़ नहीं होगी, क्या बोलूँगी जब करोगे तो मेहनत करोगे यार, मेहनत का रिजल्ट है। मेरा स्ट्रगल तो देखा नहीं आप लोगों ने, मेरे बीबी के बच्चों के गहने, मेरे बीबी के गहने तो देखे नहीं किसी ने, मैंने बेच दिए थे, वो दौर तो किसी ने नहीं देखा, मैं खाने भी ना रहा तो कोई नहीं, अभी मुझे मैसेज करोगे ऐसा हो गया तो मैं ऐसा कर लूंगा, कुछ भी फायदा, उससे क्या फायदा है, मैं थोड़ी पिघलने वाला हूँ। आप मेहनत करो अपना कमा, मैं अपनी मेहनत करके अपना कमाता हूँ, ठीक है। तो चीजों को
अच्छा 1 मिलियन हो गया, बस आप लोग ही है 1 मिलियन लोग, आप लोग ही शामिल हो गए। फोकस नहीं था लेकिन लगता है जब वहाँ बढ़ने लगे तो लगने लगा मेरा भी एक मिलियन हो जाए, लोग मुझे भी बोले क्या रिश्ते भी कहीं जाऊँ तो बोले 1 मिलियन सब्सक्राइबर, वैसे जाता हूँ तो वहाँ से लगा लेता हूँ तो लोग जानते नहीं ज़्यादातर, लेकिन कहीं देखे लोग तो बोले हाँ इससे भी 1 मिलियन है, लोग मुझे जानते नहीं ज़्यादातर। ये देखो ये 2-3 लोग की वजह से लोग मुझे जानते हैं, थोड़े बहुत जो 2-3 लोग, एक तो वो मैं बता दिया वो सतीश बादल का नाम आएगा ही आएगा, एक अपने पुष्कर भाई हैं और दूसरे तीसरे मेरे विवेक सर, तीन सारे बंदे वो भी हैं विवेक सर भी, सब कुछ दिखाने के बाद भी लोग उनको ट्रोल करने लगे इस स्कैमर कहाँ से लेके आए। मैं बोला आपको विवेक सर ने, विवेक सर ने, विवेक सर बोला अभी बताइए क्या करें, विवेक सर सब कुछ रखे हुए, विवेक सर बोले कोई मेरे पास आए मेरे पास तो सारे प्रूफ है। अभी दिक्कत यही है कि लोग देखो खास तौर से अगर एक बार एक चीज और है कि आप ऑप्शन बाइंग में मान, लिंक में मान भी सकते हो कि पैसा बनता है, ऑप्शन बाइंग में कोई मानने को तैयार नहीं, ऑप्शन बाइंग में कोई मानने को तैयार नहीं कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा, कंसिस्टेंसी पैसा बनेगा। अरे बनेगा भाई, हर चीज में पैसा बनेगा, आप करो तो सही, आपको करने ही नहीं तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। अब चीजें जरा हाईएस्ट वाला दिखा दीजिए, ऑलरेडी हम लोग की फ्लाइट भी है, ताहिर आपकी मेरी फ्लाइट है, तो मैं आपको कुछ चीजें, अच्छा यहाँ पे देखो अभी 2.2 CR है, ठीक है 2.2 CR है, यहाँ पे कुछ छोटी सी होल्डिंग स्टॉक इसमें पड़ी हुई है, ये प्योर एक पे ट्रेडिंग करता हूँ कुछ और करता नहीं हूँ, उसमें 15,000 का छोटा मोटा प्रॉफिट है जो 20% साल के हिसाब से जाएगा तो भी ठीक है, खुश हूँ। एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई पैसा आपका बनता है ना, कोई पैसा अगर बना है ना तो वो पूरा का पूरा, अब ये देखो दो चीजें यहाँ पे समझ लो, आप गलती क्या करते हो कि आपका अगर अकाउंट 50,000 का है, 50,000 के अकाउंट को अगर आपने, अभी बहुत सारे इसमें होंगे, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट डबल ट्रिपल हो चुके हैं उसके बाद खत्म हुए, कितने लोग ऐसे जिनके डबल ट्रिपल हो गए थे, अब गलती आपने क्या की, एक ही दिन किया वो तो ठीक है वो कर लिया, लेकिन अगर आपके ट्रिपल हो गए ना तो आपने क्या किया, आप पूरे